ये इधर से अफरेंट आ रहा है, ये कैपिलरी बना रहा है और इधर से इफरेंट जा रहा है। अफरेंट क्या होता है? थिक होता है, इफरेंट थिन होता है। यहाँ पर इस तरह से विसरल एपिथेलियम और यहाँ पर से पेराइटल एपिथेलियम, ये दोनों से क्या बनता है? ये बन जाएगा ग्लोमुलर्स और ये बन जाएगा वुमेंस कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हमारा होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में ब्रश बॉर्डर होते हैं। उसके बाद इस तरह से स्टार्ट होता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर इस तरह से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले थोड़ा ठीक हो जाता है आगे जाके, और फिर ये बन जाता है डीसीटी, और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूबल्स। इस तरह से इसका मेनली स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अफरेंट आल्टरियोर वाइड होता है और इफरेंट आल्टरियोर नैरो होता है। जो ग्लोमुलर्स होता है ना उसको कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। ये जो नेफ्रॉन है ना मेनली दो तरह का होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहने का क्या मतलब है? आपको पता है हमारे जो किडनी होते हैं ना उसमें एक आउटर होता है, उसको कॉर्टिकल कहते हैं, और जो इनर होता है उसको मेडुलरी कहते हैं। तो कुछ जो होता है ना नेफ्रॉन जिसका मैक्सिमम पार्ट कॉर्टिकल रीजन में होता है, कुछ नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे होता है? मेडुलरी मतलब जंक्शन पे होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है? तो इसका जो ग्लोमुलर्स है ना वो अपर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स में रहेगा, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसका जो ग्लोमुलस है वो नियर द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला रहेगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होता है, और जो हमारा ये जक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन है वो सिर्फ 15% होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो ग्लोमुलाई का साइज होता है वो स्मॉल होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का ग्लोमुलाई का साइज बड़ा होता है। मेनली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो स्मॉल होगा मेदुला में, लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी में लॉन्ग होगा। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब मेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में थिक होगा लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में थिन होगा। इफरेंट आल्टरियोल लार्ज डायमीटर होता है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, लेकिन इफरेंट आल्टरियोल स्मॉल डायमीटर का होता है और फॉर्म करता है वासा रेक्टा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में। फिल्ट्रेशन रेट कॉर्टिकल नेफ्रॉन का स्लो होता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का हाई होता है। जो मेजर फंक्शन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का वो होता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसका मेजर फंक्शन होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म को मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? अब ये जो किडनी है ना इसमें देखें, आपको बताए थे ये हमारा किडनी है, ये हो गया क्या, ये हो गया कॉर्टिकल रीजन, ये इस तरह से पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड के बीच में भी कहे थे कि हमारा ये वाला पार्ट क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स जो पिरामिड के बीच में पाया जाता है उसको रीनल कॉलम ऑफ बर्तिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल, आर ई एन एल, रीनल कॉलम ऑफ बर्तिनी, बर्तिनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ब्लड सप्लाई की बात करें तो अगर आल्ट्री में तो रीनल आल्ट्री से वो जाता है सिगमेंटल आल्ट्री, सिगमेंटल आल्ट्री से इंटरलोबुलर आल्ट्री, फिर आर्कुरेट आल्ट्री, फिर कॉर्टिकल रेडिएट आल्ट्री, और फिर अफरेंट आल्ट्रियोल से निकल जाता है। फिर ये ग्लोमुलस में इफरेंट आल्ट्रियोल, इफरेंट आल्ट्रियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनाता है, उसके बाद वेन्यूल्स बनाएंगे, फिर कॉर्टिकल रेडिएट वेन बनाएंगे, फिर आर्कुरेट वेन बनाएंगे, फिर इंटरलोबुलर वेन बनाएंगे, और फिर रीनल वेनुअल, और उसके बाद इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन आउट कर देते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी है।
यूरिनी, क्या नाम है? यूरिनी फेरस टिब्यूल सीरीज का नाम है। ये फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है और ये इसका जो डेवलपमेंट होता है ना, जो बचपन में हो गया जो हो गया, फलदर इसका नहीं होता है, इसलिए इसका नंबर तो बढ़ कभी नहीं सकता, लेकिन हाँ किसी इंजरी सब के कारण इसका नंबर ज़रूर घट सकता है। तो अगर कोई पूछे नेफ्रॉन का लेंथ कितना होता है, तो नेफ्रॉन का लेंथ 45 से 65 mm होता है, PCT 15 mm का होता है, LOS 15 से 25 mm का होता है, DCT 5 mm का होता है और CT 15 mm का होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया हमारा? DCT। अब ये जो नेफ्रॉन है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जो हमारा नेफ्रॉन है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो हो जाएगा रीनल कैप्सूल्स, जिसको हम मालफीजियन भी कहते हैं, और रीनल कैप्सूल का दूसरा नाम पिग्मालियन कैप्सूल है। चलिए लिखते हैं, रीनल कैप्सूल, इसका दूसरा नाम मालफीजियन है, या जिसका दूसरा नाम पिग्मालियन कैप्सूल है। इसके अंदर आता कौन कौन सा है? तो इसके अंदर आता है हमारा ग्लोमुलर्स और बोमन्स कैप्सूल, और रीनल ट्यूबुल्स के अंदर जितने भी ट्यूबुल्स है, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनले, डिजिटल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट सब आते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन जानते हैं। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स है PCT, उसका मेन काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं। ग्लूकोज तो 100% चला जाता है। ठीक है, रीनल कैप्सूल्स का मेन काम होता है फिल्ट्रेशन करना। क्या होता है काम? फिल्ट्रेशन करना। जो डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स है, उसका काम होता है सेक्रिएशन ऑफ आयन, एसिड, ड्रग एंड टॉक्सिन, और वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, सोडियम आयन का और कैल्शियम आयन का। कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, तो ये भी वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और सेक्रेट करता है, ये सेक्रेट और रीअब्जॉर्ब दोनों करता है सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन्स का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में प्रोडक्ट ये बात कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसी को बाहर निकालने के लिए इतने सारे सिस्टम वर्क करते हैं। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसमें होता क्या है? तो एक तरफ अमोनिया होता है, ये अमोनिया क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसी को बाहर निकालने के लिए मेनली लीवर हमारा प्रयास करता है, यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बनाता है, फिर ये बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, मेनली तीन तरह का नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। एक कहलाता है अमोनिया NH3, ये क्या होता है ना, हाईली टॉक्सिक होता है और इसको निकालने के लिए बहुत सारे पानी चाहिए। तो अब एक अमोनिया को निकालने के लिए बहुत सारा पानी तो बर्बाद नहीं कर सकता है, तो ये वही लोग कर सकते हैं जो पानी में रहते हैं। तो ये जो अमोनिया निकालते हैं डायरेक्ट, वो निकाला जाता है फिश के द्वारा, इनके पास तो पानी ही पानी है। ठीक है, इसलिए फिश जो है ना अमोनोटेलिक कहलाते हैं और इनमें अमोनोटेलिज्म प्रोसेस चलता है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं यूरिया, ये मेनली मैमल्स के लिए बना हुआ है, ये लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से और इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो मैमल्स या जो इंसान या जो जानवर यूरिया निकालता है उसको यूरोटेलिक कहते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है यूरिक एसिड, इसमें सबसे कम पानी चाहिए और ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। जो एनिमल यूरिक एसिड निकालते हैं उसको यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है और ये पेस्ट की तरह निकलता है, जो बर्ड और रेप्टाइल्स में देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा हिस्टोपैथोलॉजी की। तो जो हमारा ब्रश बॉर्डर होता है, क्या ये प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होता है, वो बना होता है ब्रश बॉर्डर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ठीक है,
जो हमारा ये लूप ऑफ हेनले है वो बनता है एस्क्वामस एपिथीलियम से। जो डीसीटी है वो बनता है सिंपल क्यूबॉइडल से। तो इसका हिस्टोपैथोलॉजी भी हो गया। अब ये भाषा रेखता क्या होता है? तो जैसे कि हमारा मान लीजिए कि ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के चारों तरफ ब्लड वेसल्स के कैपिलरी बने हुए रहते हैं जिसके द्वारा मिलिए एक्सचेंज होता है। यही ब्लड के ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज को हम भाषा रेखता कहते हैं। ये मिलनी क्या में काम करता है? तो ये काउंटर करेंट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। आगे वीडियो पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, इसमें मेनली तीन प्रोसेस चलता है। कौन कौन सा? द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सेक्रिएशन। तीन प्रोसेस चलता है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब यूरिन कंसंट्रेटेड होता है या डाइल्यूट होता है, कैसे पता चलता है? तो समझ लीजिए दो इंसान हैं, ठीक है। एक इंसान ऐसा जगह पर रहता है जहाँ पर उसके बहुत पानी पीना पड़ता है और दूसरा इंसान ऐसा है जहाँ पर उसके पास पानी है ही नहीं, ना के बराबर है। तो जैसे कि वो डिजर्ट एरिया में रहता है, ठीक है। तो किसका यूरिन कैसा निकलेगा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले नॉर्मल ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड क्या होता है? तो 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। अब मान लीजिए कोई आदमी बहुत पानी पी रहा है, ठीक है, तो उससे यूरिन आप देखते होंगे बहुत यूरिन निकलता है और यूरिन का कलर भी क्या रहता है? वाइट रहता है। तो ऐसा होता क्यों है? जब हम बहुत पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है जिसके कारण वो डाइल्यूटेड हो जाता है और वो हाइपोस्मोलर हो जाता है। अब हाइपोस्मोलर कहने का क्या मतलब है? हाइपोस्मोलर ये समझ लीजिए, हाइपो रहेगा ऑस्मोलर मतलब कि पानी में जो सॉल्यूट है, अब सॉल्यूट कहने का क्या मतलब है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कम है। और हाइपरस्मोलर कहने का क्या मतलब है? कि जो पानी है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। ऐसा क्यों कहा? देखिए यहाँ पर जो होता है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर एक दिन में एक आदमी टोटल वेस्ट प्रोडक्ट कितना बना रहा है? 500 बना रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो जो ज़्यादा पानी पी रहा है वो 500 ही वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वाटर ज़्यादा निकलता है, तो जिसके कारण ये वेस्ट प्रोडक्ट कम लगता है। और वही जो कम पानी पीते हैं उनमें क्या होता है, पानी भी कम हो जाता है, उसके कंपेरिजन में क्या हो जाता है, सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो पीला दिखता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम वेस्ट कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपके पास आधा किलो चीनी है, ठीक है, उसको आप 2 लीटर पानी में डालिए, उसको टेस्ट कीजिए, आपको बहुत नमकीन लगेगा। वही सेम आधा केजी चीनी आप 5 लीटर पानी में डालिए, टेस्ट पता चलेगा, सॉल्यूट तो सेम है। तो जो ये 2 लीटर वाला पानी है उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर ऑस्मोलर। और जो ये 5 लीटर वाला पानी है उसको हम कहेंगे हाइपो ऑस्मोलर। आपको लगता है पूरी तरह क्लियर हो गया होगा ये बातें? तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनके बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड आता है और उनके बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड डाइलेटेड हो जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। उनमें ब्लड में क्या हो जाएगा? हाइपो ऑस्मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? वही अगर कोई कम पानी पिएगा, ठीक है, लेस वाटर पिएगा, तो उनमें कंसंट्रेटेड होंगे। कैसा यूरिन होगा? कंसंट्रेटेड, क्योंकि उनमें हाइपर अस्मोलर होता है और लेस वाटर निकलते हैं, लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूरिन के ऑस्मोलरिटी से, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है?
अब ये जो मैकेनिज्म है ये डिपेंड किस पे रहता है, मेनली ये डिपेंड होता है पहला हाइपर स्मॉलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियल पे। क्या पे? हाइपर स्मॉलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम पे। इसको हम दूसरे में कॉर्टिको पेपिलरी स्मॉलर रेडिएंट भी कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन होता है कि ये कैसे प्रोड्यूस करता है यूरिन, तो पहला तो कॉन्टर करेंट से, ठीक है, कॉन्टर करेंट मल्टीप्लायर से। अब कॉन्टर करेंट मल्टीप्लायर क्या होता है ये सब बताऊंगी। पहला डिपेंड होता है कॉन्टर करेंट मल्टीप्लायर पे और दूसरा यूरिया रिसाइकलिंग पे, ठीक है, किस पे? यूरिया रिसाइकलिंग पे, जो कैसे किया जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के द्वारा किया जाता है। अभी जो यूरिन फॉर्मेशन है ये मेंटेन कैसे करते हैं, तो ये मेंटेन मेली भाषा रेखता के द्वारा किया जाता है। भाषा रेखता क्या है? तो लूप करेंट एक्सचेंजर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ जानने वाली बात है, एक कहलाता है क्या, तो कॉन्टर करेंट एक्सचेंजर, और दूसरा कहलाता है कॉन्टर करेंट मल्टीप्लायर। क्यों कहलाता है ये तो मैं बता दूंगी, लेकिन किसको कहते हैं? एक्सचेंजर में आ जाएगा हमारा भाषा रेखता, और मल्टीप्लायर में आ जाएगा हमारा लूप ऑफ हेनली। और दूसरा किसके कारण ये मेंटेन होता है या इसका मैकेनिज्म चलता है, द रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो सबसे पहले देखते हैं जो किडनी है ना वो कैसे हाइपर ऑस्मोलरिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये पिक्चर पहले अच्छे से समझ लीजिए, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। इसमें कितना माना था हमने, ऐसे 290 होता है लेकिन माना 300 है। तो ये पूरी 300 के 300 हमारा ग्लोमुलर्स में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारा ग्लोमुलर्स है वो परमिएबल होता है आयन और वाटर दोनों के लिए इक्वली होता है, ठीक है। यहाँ से मिल ली, फिर ये जाएगा प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में जिसमें ब्लड बॉर्डर कॉल्यूमनल इपिथीलियम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज का तो 100% हो जाता है। आप ही समझिए, ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए तो पूरा दुनिया लड़ रहा है, और उसी को कोई खोना चाहेगा नहीं ना, इसलिए 100% ग्लूकोज मेनली रीऑब्जर्व हो जाता है हमारे ये पेलीट्यूबुलर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 65% सोडियम, 65% वाटर, 65% क्लोरीन, 90% बाइकार्बोनेट और अमाइनो एसिड 100%। मतलब दो चीज़ 100% होता है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा अमाइनो एसिड, इसका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन 100% हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उसमें जितना आता है उतना ही जाता है, मतलब कि अगर आप कह सकते हैं कि इसमें से तो सोडियम सब निकल गया, तो जितना आयंस बाहर निकलते हैं उतना ही H2O निकलता है, तो यहाँ तक क्या होता है, मेंटेन रहता है 300 osmoles, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मानिए यहाँ ये जो होता है, ये जो नीचे वाला कौन सा है, ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है वाटर का, तो इससे क्या होते हैं, बहुत सारे वाटर निकल जाते हैं। तो इसमें होता कैसे, ये 300 है तो यहाँ पे 400 500 600 700 800, ये लास्ट में लूप ऑफ हेनले में आते आते 1200 स्मॉल हो जाता है, मिली स्मॉल, ये 1200 ही लास्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए, अब ये क्या करेगा, तो ये फिर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ठीक पाथ स्टार्ट होता है। याद रखिएगा ये जो असेंडिंग पाथ है ये परमिएबल होता है किसके लिए, आयंस के लिए, और इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो यहाँ से आयंस निकल जाएंगे, तो अब यहाँ से 1200 है तो 1200 से कम होते जाएगा क्योंकि आयंस निकल रहे हैं, तो समझ लीजिए 1700, यहाँ पर आते आते 300 हो जाते हैं, 300 से भी कम 150 या 180 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो ये डिसेंडिंग है वो परमिएबल टू वाटर होता है, असेंडिंग जो होता है परमिएबल टू आयंस होते हैं।
अब ये जो कॉर्टिकल डायल्यूट, ये कॉर्टिकल रीजन में आ जाएगा, तो वो वहाँ पे मेनली ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर ADH आता है। ADH पे डिपेंड करता है कि परमेबिलिटी किसका होगा। ठीक है, देखिए एज्यूम कीजिए कि ऑस्मोलरिटी कितना है, 300 का है। फ्लूइड फिल्टर कितना होगा, 300 मिली स्मोल पर लीटर होगा। तब PCT में मेनली बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड H2O रीऑब्जर्व हो जाता है। इसलिए आप फिल्टर फ्लूइड को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड कहते हैं। जब तक वो ग्लोमरल्स में है तब तक वो फिल्टर फ्लूइड है, एक बार जब PCT से गुजरने लगा तो वो ट्यूबुलर फ्लूइड कहलाया जाएगा। PCT में मेनली ऑसो ऑस्मोलरिटी मेंटेन होता है, क्योंकि जो इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट रीऑब्जर्व होते हैं। कैसे होते हैं, तो पहला सोडियम पोटेशियम एटीपेज थ्रोइंग क्या करता है, सोडियम को बाहर निकल देता है, लेकिन अभी भी वो एक्यूमुलेट रखता है पोटेशियम को। ठीक है, ये जो असेंडिंग पाथ होता है ट्यूबुलर लूप का, वो मेनली हाइपर ऑस्मोलर होता है, हाइपर ऑस्मोलर होता है। हाइपर ऑस्मोलर कहने का क्या मतलब है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है। और डिसेंडिंग पाथ जो है वो लूज वाटर करता है, इसलिए प्रोवाइड करता है स्मॉलर फ्लूइड टू असेंडिंग पाथ, जिसके कारण ये हाइपर ऑस्मोलर इंटरस्टीशियल मिलता है। ठीक है, अब जो ट्यूबुलर डीसीटी है वो होता है हाइपो ऑस्मोलर। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर 1200 हो गया। ठीक है, तो ये 1200 क्या है, सॉल्यूट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, आयन्स तो बाहर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि परमेबल तो आयन होता है, तब ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, हाइपो ऑस्मोलर हो जाएगा। तो हाइपर और हाइपो ऑस्मोलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला एक पिक्चर से सिंपल से बताती हूँ क्या होता है ना, स्टार्टिंग में 300 आते हैं। ठीक है, ये मेंटेन रहता है, जैसे कि यहाँ पर 300, 400, 800, 800, 1200 इस तरह से मेंटेन रहता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 300 है। ठीक है, अब बाहर में कितना है, तो मान लीजिए 400 है, तो वो वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ताकि वो मेंटेन कर सके 400 400, फिर अंदर में थोड़ा नीचे आएगा तो देखिएगा, अरे बाहर में तो 500 है, तब वाटर फिर से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से मेनली मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 300 है, बाहर में 1200 है, तो अरे बाहर में 1200 है, मेरे में 300 ही हैं, तो क्या हो जाएंगे, तो आयंस बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से मेनली काम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में। अब कुछ समझने वाली बातें, जैसे कि बोमन्स कैप्सूल है ना, वो किडनी में पाया जाता है, बोमन्स मेम्ब्रेन कॉर्निया में पाया जाता है, बोमन्स ग्लैंड नोज में पाया जाता है। तो ये सब समझने की बातें हैं। अगर कोई पूछेंगे फॉर एक दिन में कितना यूरिन का फॉर्मेशन होता है, 1 से 1.5 लीटर। PCT में कैसे होते हैं, तब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल होते हैं। नेफ्रिन किसको कहते हैं, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन फैट होता है ना, उसी को नेफ्रिन कहते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, लेकिन एक्सक्रीशन किडनी से होता है। ठीक है, अब आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को समझते हैं, क्योंकि ये जो मेंटेन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ही होता है। अब ये रेट होता क्या है, तो कितना आयंस या वाटर फिल्टर हुआ है, मेनली 1 मिनट में 125 ml होता है, एक दिन में 180 लीटर होता है। 180 लीटर जितना अगर फिल्टर हुआ, अगर उतना सारा इसक्रीत हो जाएगा, तो इंसान को समझिए 180 लीटर यूरिन हर दिन कितना पानी का लॉस होगा। इसी को बचाने के लिए मेनली ये आगे का प्रोसेस होता है। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है ना, वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। इसमें 3 तरह का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में। अब ये जैसे कि देखिए, ये हमारा कैपिलरीज है और ये हमारा ग्लोमुलस है, तो यहाँ से यहाँ मेनली ब्लड जाता कैसे है, तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कि प्रेशर से जाता है। सबसे पहले जो होगा वो प्रेशर, वो क्या होगा, ग्लोमुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
अब ये क्या है, जैसे कि आपको पता है अफेरेंट आर्टरी क्या होता है, थिक होता है, और इफेरेंट थिन होता है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड का आएगा तो तेज़ी से, लेकिन जाएगा धीरे धीरे से, तब तक तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, तो उसके कारण क्या होता है, मेनली फिल्ट्रेशन होते हैं, तो वो कितना होता है 60 mmHg। दूसरा क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब कुछ वाटर तो ये कैप्सूल में भी होंगे, तो इसके कारण भी क्या होता है, प्रेशर लगता है, वो कितना होता है 20 mmHg। तीसरा जो होता है ना, वो होता है ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मेनली प्रोटीन के कारण लगता है, तो वो कितना होता है 30 mmHg। अगर कोई पूछे ऑस्मोलाइट क्या होता है, तो औसत चीज़ जो वाटर को वाटर के साथ इजीली जा सके, प्रोटीन ग्लूकोज आयंस। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, तो जो प्रेशर मेनली क्या हो रहा है, तो ग्लोमुलर्स के द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें देखिए क्या है, एक प्रेशर क्या है ऊपर से नीचे आ रहा है, बाकी दो प्रेशर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें से जो दो प्रेशर ऊपर जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो जैसे ऊपर से नीचे कौन सा आया, ग्लोमुलर ब्लड हाइपोस्टैटिक प्रेशर आया, वो 60 था, फिर उसमें नीचे से दो फोर्स लगाया जा रहा था, कौन कौन सा, तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो 10 mmHg हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर कितना कैसे निकालेंगे, तो टोटल प्लाज्मा जो फिल्टर होता है 1 मिनट में, और टोटल प्लाज्मा इंटर होता है किडनी में 1 मिनट में, उसको डिवाइड कर देंगे, कितना होता है, तो टोटल प्लाज्मा फिल्टर 1 मिनट में कितना हुआ, तो 125 ml, और टोटल ब्लड कितना होता है, तो टोटल ब्लड होता है 1100 से 1200, उसमें क्या कह रहा है, तो टोटल प्लाज्मा इंटर इन द किडनी इन द 1 मिनट, तो आपको पता है आरबी से जो ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होते हैं, 45% सेल होते हैं, तो सिर्फ 55% को ही डिवाइड करना है, तो 55% कितना होगा, तो 600 ml आएगा, तो अप्रॉक्स 20% फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देखने को मिलता है। ट्यूबुलर रीऑब्जर्प्शन तो पहले ही बताया था कि जो डिसेंडिंग है वो परमिएबल होगा ये वाटर का, और जो असेंडिंग है वो परमिएबल होता है आयंस का, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब रीऑब्जर्प्शन और सेक्रिएशन किसके किसको कहाँ पे होता है, तो अगर कोई पूछे क्वेश्चन में मैक्सिमम रीऑब्जर्प्शन किस के द्वारा होता है, तो वो होता है प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ठीक है। उसमें 70 से 80% रीऑब्जर्प्शन हो जाता है। सोडियम का जो रीऑब्जर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है, आयंस और वाटर का जो रीऑब्जर्प्शन होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पे आइसोमोरलिटी मेंटेन रहता है, कहाँ पे, पीसीटी में, ठीक है। तो रीऑब्जर्प्शन किसका होता है और सेक्रिएशन किसका होता है, तो रीऑब्जर्प्शन होता है मेनली H2O, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, बाइकार्बोनेट, पीएच ऑफ द ब्लड। सेक्रिएशन तो ये सेक्रिएशन में मेनली पोटेशियम, ये हाइड्रोजन और अमोनिया का होता है, कैसे, तो एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब कौन कौन सा फैक्टर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करता है, तो पहला, अगर अफेरेंट आर्टरियोल रिलैक्स करेगा और इफेरेंट आर्टरियोल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बीपी बढ़ता है। अब देखते हैं कि कैसे होता है, जब बीपी बढ़ता है तो कैल्शियम चैनल जो सेंसिटिव होता है प्रेशर का, वो क्या करता है, जो मसल चारों तरफ होता है आर्टरियोल को, उसको ओपन कर देता है, जिसके कारण स्ट्रेच होता है अफेरेंट आर्टरियोल, और जिसके कारण कैल्शियम जो है वो इंटर करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल देखने को मिलता है। वही जब बीपी कम होता है तो नेट फिल्ट्रेशन रेट कम जाता है, जिसके कारण नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम जाता है, जिसके कारण रीऑब्जर्प्शन बढ़ जाता है। जो DCT है वहाँ पे मैकुला डेंसा होता है, वो सेंस करता है लो सोडियम को, उसके बाद वो मैकुला डेंसा सिग्नल भेजता है जेजी सेल को,
जेजी सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इफरेंट आल्ट्रियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे वो सिग्नल भेजता है। उसके बाद जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, जो लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजेन आता है उसको एंजियोटेंसिन वन में बदलता है। अब ये एंजियोटेंसिन वन ब्लड के थ्रू लंग में जाता है, वहाँ पे एसी कन्वर्टर रहता है उसके थ्रू ये एंजियोटेंसिन टू में बदलता है। एंजियोटेंसिन टू क्या करता है, तो इसका दो काम है। ये स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करेगा, जिसके कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, जिसके कारण एडिनालेज साइक्लेज बढ़ जाता है, जो सीटी और डीसीटी पे एक्ट करता है। एडीसी भी, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो ब्रेन के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, ये भी एक्ट करता है डीसीटी और सीटी पे। लेकिन ये क्या करता है, जब पानी की कमी होती है तभी ये एक्टिवेट होता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। कैसे करता है, तो एक्वाफोरिंस के द्वारा, मतलब जब बीपी कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम होगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, तब मैकुला डेंसा क्या होगा, एक्टिवेट होगा, वो रेनिन को सेक्रेट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलेगा, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन टू में लंग में जाके कन्वर्ट होता है और वो वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है। एक और होता है एंटी न्यूरेटिक फैक्टर, नेत्रियेटिक फैक्टर, जो वैसो डायलेटर है। ये कब होता है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तब ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट किया जाता है हार्ट के द्वारा, जो सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है यूरिन में, और जिसके कारण यूरिन वॉल्यूम मेंटेन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये जो पीसीटी है वो परमिएबल होता है आयंस का, डीसीटी परमिएबल होता है वाटर का। जो पीसीटी और ग्लोमेरुल्स है ना, वो परमिएबल होता है आयन और वाटर दोनों के लिए, लेकिन जो डीसीटी है वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है, आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है, इसलिए इसको कंसंट्रेटिंग लिम्ब कहते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले है, इसका दो पाथ होता है, एक तो ये असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में भी एक थिक पाथ होता है, एक थिन पाथ होता है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होता है आयंस का, जो थिन पाथ होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है आयन का, लेकिन थिक पाथ होता है उसको उसमें एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए इसको डायलेटिंग लिम्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मान लीजिए कि आप कम पानी पिए तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, अस्तात हो जाएगा डीसीटी और सीटी में। अगर आप कम पानी पीते हैं तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये एडीएच वर्क करता है डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, और ज़्यादा परमिएबल बनाता है वाटर का। इसका मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन में रेस कंसंट्रेटेड यूरिन में लेस यूरिन का मौत होगा। ठीक है, अब देखते हैं किस पे किसका सेक्रिएशन और रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी पे तो पहले ही बता दिए थे कि सोडियम, वाटर, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट, आयन, ये सबका रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेक्रिएशन किसका होता है, तो एच प्लस, के प्लस और अमोनिया का। डीसीटी पे रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, सोडियम, उसके बाद वाटर, बाइकार्बोनेट, सिर्फ 20% होता है। और सेक्रिएशन तो वही सेम चीज़। उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में तो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और क्या होता है, सेक्रिएशन होता है हाइड्रोजन आयन का। मल्टीप्लायर में बताए थे कि क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है तो ऑस्मोमोलरिटी बढ़ते जाता है, मतलब कि वो हाइपर स्मोलर होते जाता है, और नीचे से ऊपर जाता है तो हाइपो स्मोलर होता है। अब इसी में जो एक्सचेंजर का काम है वो उसका क्या काम है, जैसे कि यहाँ बड़ा करके बताते हैं। एक्सचेंजर का क्या काम है, जैसे कि क्या होता है, यहाँ इधर क्या होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, और इधर वाटर आयंस के लिए परमिएबल होता है। इधर से इधर आयंस निकलते हैं, ये इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं, और इंटरस्टिशियल से फिर से ब्लड में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि एक्सचेंज हुआ, यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो जैसे कि इसमें क्या है, 1200 है, यहाँ पर 300 मान लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर 300 है तो यहाँ पर अपोजिट चलेगा 1200 चलेगा, तो इसलिए इस तरह का मूवमेंट होता है। चलिए काउंटर लेंथ मल्टीप्लायर अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले थीक पाथ को समझते हैं। थीक पाथ कौन सा है? तो हमारा ये वाला पाथ थीक पाथ है। ये क्या होता है? परमिएबल होता है आयंस का, और इम्परमिएबल होता है वाटर का। तो यहाँ से सोडियम NaCl क्या होते हैं? बाहर रीऑब्जर्व हो जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के से, जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या होते जाता है? हाइपोस्मोलर होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, उसके कारण ऑस्मोटिक रीऑब्जर्वेशन वाटर का डिसेंडिंग लिप में बढ़ता है। अब क्या हो गया इसमें? तो ये क्या हो गया? तो आयंस का रीऑब्जर्वेशन हो रहा है, जिसके कारण कंसंट्रेशन अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा? परमिएबिलिटी वाटर का बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वाटर निकलने लगता है। तो इसी तरह ये प्रोसेस होता है। अब यूरिन क्या है? इंटर कर गया कलेक्टिंग ट्यूबल्स में, वहाँ पर मेनली लॉस ये लेस कंसंट्रेटेड होता है देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, इसलिए यूरिन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर रीऑब्जर्व कहाँ कहाँ होगा? डिसेंडिंग लिम्फ में और कलेक्टिंग डक्ट में, जब वो मेदुला को छोड़ते रहेगा। ठीक है, लोअर तो यहाँ पर देख लीजिए कंसंट्रेशन कैसे हो रहा है। 300 से 1200 जा रहा है, 1200 से 300 जा रहा है, या 200 150 इतना कम हो जाता है, फिर ऊपर से नीचे जाते जाते तक फिर से 1200 हो जाता है। इसलिए इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। याद रख लीजिएगा 300 नीचे में 1200, ठीक है, ऊपर 200 है, ठीक है, कंसंट्रेशन कम है, लेकिन याद करने के लिए तो ये इजी है ना। हमेशा लूप ऑफ हेनले जो होता है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? मेदुलरी में, और ये दोनों आपको मिलेगा कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि भाषा रेखा का क्या काम है। तो ये एक चेंजर का, यहाँ से जो H2O निकलता है वो चला जाता है हमारा भाषा रेखा में, यहाँ से जो NaCl निकलता है वो चला जाता है भाषा रेखा में। तो ऐसा लगता है ना कि एक चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर है 300 तो यहाँ पर भी 300 रहेगा, यहाँ पे 1200 तो यहाँ पर भी 1200 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 900 600 500 300, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमेशा 300 ही रहता है, मतलब 300 लेके आया है और 300 लेके जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या? 300 लेके आया है 300 लेके जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में इसमें भी 1200 होता है। तो इजली आपको समझ में आ गया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेशन है रेगुलेशन ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में पढ़ा था हमने कि क्या होता है GFR। तो GFR मेनली जो रीनल ब्लड फ्लो है वो अप्रॉक्स 20% जो कार्डिक आउटपुट है उसका ड्रेन होता है यहाँ पर ब्लड फ्लो, जो मेनली 1000 मिलीलीटर पर मिनट है। जो ब्लड है ना वो प्रत्येक नेफ्रॉन में जाता है अफरेंट आर्टरियोल के द्वारा, और उसके बाद वो ग्लोमुलर कैपिलरी बनाता है, और फिर वो क्या करता है इफरेंट आर्टरियोल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जो ग्लोमुलर कैपिलरी बनाता है यहीं से मेनली जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो फिल्टर्ड होता है, किसमें? तो ट्यूबुलर फ्लूइड में। अब ट्यूबुलर फ्लूइड होता क्या है? तो जैसे कि अभी तक जितना पढ़ा उसको शॉर्ट में समझाती हूँ। ये हमारा इफरेंट आर्टरियोल है, ये इस तरह से यहाँ पर बनाएगा हमारा कैपिलरी, और फिर ये इफरेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये जो ये जो बना है ना यही ग्लोमुलर कैपिलरी है, यहाँ पर से ही मेनली फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये जो ब्लड आते हैं टोटल कार्डिक आउटपुट के 20% ब्लड आता है, उस अगर उसको ये लीटर में बदले मिलीलीटर में तो 1000 मिलीलीटर पर मिनट आता है। ये अभी तक ब्लड में चल रहा है, जब ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये आ जाएगा किस में? तो हमारा PCT DCT मतलब नेफ्रॉन में आ जाएगा, तो इसको ट्यूबुलर फ्लूइड कहेंगे। डिजिटल इंड जो होता है ग्लोमुलर कैपिलरी का वो फॉर्म करता है इफरेंट आर्टरियोल, ये तो पहले ही बता चुके हैं, जिसके कारण फर्स्ट सेगमेंट ऑफ सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क बनता है। अब ये सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क में क्या क्या बनता है? तो कॉर्टिकल पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी और मेदुलरी वेसा रेखा, ये अभी बताऊँगी। जैसे कि देखिए पिक्चर है, इसी पिक्चर से बताया गया है
ये हमारा अफेरेंट आया, ठीक है, और उसके बाद ये फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ पे कैपिलरी फॉर्म हुआ, फिर इफेरेंट चला गया। ये इफेरेंट बाद में जाके पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स बनाता है, जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा जो लूपा फिनली है उसके चारों तरफ जो ट्यूबल्स बनता है उसी को हम वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन में मेनली दो कैपिलरी वेद अरेंज होता है एक दूसरे से, ठीक है, और मेंटेन करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। ये जो डिजिटल कैपिलरी है ना वो इम्पटी होता है स्मॉल वेनस ब्रांचेज में, उसके बाद वो लार्ज वेनस में मिलता है और फॉर्म करता है रीनल वेन। अब नेफ्रॉन की जब बात कर रहे हैं तो दो तरह का नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा ग्रोमुलर नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो मैक्सिमम जो पाथ होता है ना, जैसे कि आपको पता है ये क्या है, हमारा किडनी है, ये हमारा क्या है ऑटर है जो कॉर्टिकल है, इनर जो है वो मेडुलरी करता है कहलाता है। जो मैक्सिमम पाथ होता है ना इसका, अगर वो मिल जाए कहाँ पे, कॉर्टिकल पाथ में, तो उसको कॉर्टिको नेफ्रॉन कहते हैं। 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखने को मिलेगा और सिर्फ 15% जक्स्ट्रा ग्रोमुलर नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहते हैं। ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें जो लूप्स होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं, कि लगभग सारा जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, और ये फॉर्म करता है नॉर्मोटोनिक यूरिन। लेकिन जो हमारा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये कहाँ पे होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुलरी के जंक्शन पे होते हैं, इनका लूप लॉन्ग होता है और ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। ब्लड फ्लो ऑफ किडनी, तो अभी बताया कॉर्टेक्स रिसीव करता है मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो, क्योंकि ग्रोमुलर्स कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स में होता है। मेदुला कंज्यूम करता है ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो मेटाबॉलिक रेट ब्लड लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, ट्यूबुलर लोड से, और ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता मेनली कैसे है, तो सोडियम इंटर करता है ट्यूबुलर स्लो ट्यूबुलर सेल में, कैसे, तो ENAC और NKCC से चैनल बना के। ये चैनल बनता कहाँ पे है, तो एपिकल मेम्ब्रेन में बनता है, ठीक है। ENAC क्या है, तो ये मेनली सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब होता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा कहाँ पर, तो वैसोलेटरल पाथ में, मतलब इसका दो पाथ है। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह का पाथ समझ लीजिए, ये वाला क्या है, तो सोडियम पोटेशियम पंप है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वैसोलेटरल पाथ में, और ये रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है सोडियम को। और जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ENAC और NKCC जो सोडियम को इंटर करवाता है ट्यूबुलर सेल में, ठीक है। तो मतलब कि ये ग्रोमुलर फिल्ट्रेशन से इंटर करता है, कैसे, मतलब कि ये ब्लड है, ब्लड से इंटर कैसे करता है, तो इंटर करता है ENAC और NCC चैनल से। अब जक्स्ट्रा ग्लोमुलर अपैरेटस, ये मेनली ग्रोमुलस के पास में ही होता है, इसमें 3 सेल होते हैं। एक तो सेल होता है वॉल ऑफ अफेरेंट आल्ट्रियोल का, दूसरा जो सेल लाइनिंग होता है अल्ली डीसीटी का, उसके बाद सेल जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। सेल जो वॉल ऑफ द अफेरेंट आल्ट्रियोल में पाया जाता है वो होता है जेजी सेल या ग्रैनुलर सेल, जो रेनिन का सिंथेसिस करता है, और ये मेनली जब हमारा बीपी लो होता है ना उस समय ये काम करता है बीपी को हाई करने में, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये मेनली क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगा। एंजियोटेंसिन 1 चला जाएगा लंग में, वहाँ पे ये सी कन्वर्टेज के द्वारा ये एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है, और ये एंजियोटेंसिन 2 मेनली वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, साल्ट वाटर रिटेंशन का काम करता है, एल्डोस्टेरोन सेक्रिएशन का काम करता है जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट है वो पूरे ग्लोमुलर कैपिलरी वाल में होता है, और ये प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का। अगर कोई पूछे कि जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का तो वो क्या होता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है।
ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑनकोटिक प्रेशर प्रेशर जो कैपिलरी ल्यूमेन के अंदर किया जाता है, और ये मेनली उसके द्वारा किया जाता है जो प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड नहीं हुआ है। मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो फिल्टर नहीं होता है, क्योंकि या तो साइज के वजह से या किसी का साइज सफिशियंट है तो उनका चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, इसी के कारण वो मेनली हमारे यूरिन में नहीं मिलते हैं। तो पहला क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण जो ग्लोमुलर कैपिलरी के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर जो हमारे ये अनफिल्टर्ड प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है जो अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। तो अभी तक सपोर्ट कौन किया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और अपोज कौन किया, ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर मेनली राइज करता है लेंथ ऑफ द ग्लोमुलर कैपिलरी में। डाइविंग फोर्स जो होता है ना फिल्ट्रेशन का, वो फॉल हो जाता है जीरो इन रूट में जब वो इफेरेंट आर्टेरियोन में जाता है। अप्रॉक्स 20% जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है ना वो फिल्टर्ड होता है वुमेन्स स्पेस में। और रेशियो अगर पूछेंगे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट का, तो वो डिटरमाइन कैसे करेगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन से। और फिर बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं ना, मोस्टली हेमोडायनेमिक कंट्रीब्यूट करता है रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर फिजियोलॉजिक कंडीशन। जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है ना वो अफेक्ट होता है रीनल आर्टेरियल प्रेशर का, जिसका कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है फिजियोलॉजिक ब्लड प्रेशर से। यह ऑटो रेगुलेशन किया जाता है GFR के द्वारा। अब चलिए ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR पढ़ते हैं। ये जो ऑटो रेगुलेशन है वो मेनली 3 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो ऑटोनोमस वैसोरिएक्टिव रिफ्लेक्स इन द एफरेंट आर्टेरियोल। क्या पहला क्या है, ऑटोनोमस वैसोरिएक्टिव या मायोजेनिक रिफ्लेक्स ऑफ आर्टेरियोल एफरेंट आर्टेरियोल। दूसरा ट्यूबुलो ग्लोमुलर फीडबैक। तीसरा एंजियोटेंसिन 2 मेडिएटर कंस्ट्रिक्शन। ये तीनों पे डिपेंड करता है। जो मायोजेनिक रिफ्लेक्स है ना ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है अगेंस्ट फ्लक्चुएशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है ना, जो कैल्शियम चैनल होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए कि क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या करता है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा या रिलैक्सेशन करवाएगा मसल का, और ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, तो जिसके कारण GFR रेट बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो इफरेंट है उसको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि कम ब्लड आए, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये आता है। एक्यूट चेंजेस जो होता है रीनल परफ्यूजन में, वो मेनली रिफ्लेक्स कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल पे डिपेंड करता है, जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है प्रेशर को। ये जो फिनोमिना है ना ये हेल्प करता है ग्लोमुलर कैपिलरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि एकाएक सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो अगर ये फिनोमिना नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे ग्लोमुलर जो कैपिलरीज हैं, जो फिल्ट्रेशन है, जो स्लीट है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये चेंजेस से बचाने के लिए ही मेनली ये किया जाता है। TGF का फुल फॉर्म क्या था, ट्यूबुलो ग्लोमुलर फीडबैक। इसमें मेनली जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और जो ट्यूबुलर फ्लो है ना, और जो चेंजेज होते हैं किसके कारण, अपरेंट आर्टेरियोल के कारण, वो मेनली देखा जाता है। जैसे कि जो TGF है वो मेडिएट होता है स्पेशलाइज सेल के द्वारा, जो प्रेजेंट होता है ठीक असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेक से, जो कहलाता है मैकुला डेंसा। क्या कहलाता है, मैकुला डेंसा। तो चलिए पहले इसका पिक्चर बताते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये होता है लूप ऑफ हेनलेक डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, असेंडिंग में थिन पाथ होता है, थिक पाथ होता है। तो ये जो मैकुला डेंसा होता है ना, ये प्रेजेंट होता है ठीक पाथ ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, जिसका क्या काम है, ये सेंसर की तरह काम करता है सॉल्यूट कंसंट्रेशन और ट्यूबुलर फ्लूइड फ्लो रेट के सेंसर की तरह काम करता है। ये सेंस करता है सोडियम और क्लोराइड का ट्यूबुलर फ्लूइड में, उसके बाद ट्यूबुलो ग्लोमुलर फीडबैक देता है।
इसका लीजेंड कौन सा है? तो इसका लीजेंड होता है एडिनोसिन, जिसके कारण वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है एफरेंट आल्ट्रियोल्स का, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर होता है ना, हाई ट्यूबुलर फ्लो रेट होता है, तो ये इसमें मेनली हाई फिल्ट्रेशन रेट देखने को मिलेगा, इंक्रीज सॉल्यूट डिलीवरी होगी मैकुलर डेंसा में, जिसके कारण क्या होता है, ये इवोक करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन का, जिसके कारण GFR नॉर्मल अपने नॉर्मल प्रेशर में आ जाता है। वन ऑफ द कंपोनेंट जो मैकुला डेंसा को हेल्प करता है वो कौन सा है, एडिनोसिन, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं। ये रिलीज होता है बाय सेल जब बढ़ जाता है NaCl का रीअब्जॉर्प्शन। ATP मेटाबोलाइज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से और जनरेट करता है एडिनोसिन, जो वैसो कंस्ट्रिक्शन की कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है एफरेंट आल्ट्रियोल में, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन 2 और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस है वो भी इन्हेंस कर जाते हैं, और बल्कि और जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ब्लंट करता है TGF को। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वैसो डायलेटर की तरह काम करता है। थर्ड कंपोनेंट है वो है एंजियोटेंसिन 2, ये मेनली वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करता है। ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम सारे के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद विस्तार में डिस्कशन करेंगे। मिसेंगियल सेल, मिसेंगियल सेल होता क्या है, जैसे कि ये क्या है हमारा अफरेंट आ रहा है, ये कैपिलरीज बना रहा है, ठीक है, और इफरेंट से निकल रहा है। ये यहाँ पर क्या होता है ना, चारों तरफ एक सेल प्रेजेंट होता है जो मेनली वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन में हेल्प करता है। जब GFR बढ़ता है घटता है तो इसी को हम कहते हैं मिसेंगियल सेल। मिसेंगियल सेल का दूसरा नाम लैसिक सेल भी है, फिर से लिख देती हूँ LACIS, लैसिक सेल, या फिर गुड़ मैग थाई सेल, थाइज सेल भी इसका नाम है, ठीक है। एक टर्म है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, ये किसके द्वारा सिंथेसिस होता है, तो टाइप 1 कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल सेल जो प्रेजेंट होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के चारों तरफ। इसमें ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होता है, ये 90% प्रोड्यूस किया जाता है किडनी के द्वारा और 10% प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा। तो आखिर ये जो है ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ये देखा कहाँ कहाँ जाता है, तो पल्मोनरी वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल में, कैरोटिड बॉडी में, और टाइप 1 कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं रीनल कैलकुलेशन कर सर्कुलेशन को देखते हैं। तो ये पेकुलर फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि कैपिलरी ड्रेन होता है आल्ट्रियोल्स में, था ना, जैसे कि ये अफरेंट आया, ये कैपिलरी बना, मेनली क्या होता है कैपिलरी के बाद वेन बनता है, आल्ट्री कैपिलरी फिर वेन, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अफरेंट आल्ट्री से इफरेंट आल्ट्री बनेगा। तो यही एक पेकुलर इसके फीचर्स होते हैं रीनल सर्कुलेशन के। इसमें बहुत हाई ब्लड फ्लो होता है, जो कार्डिक आउटपुट है उसका 20% ब्लड यहाँ पर आता है। मेनली जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, वो 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है प्रेशर कहीं और के, ठीक है। तो कितना होता है, 60 mmHg। कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट भी हाइएस्ट होता है 12.5 मिलीलीटर पर मिनट पर mmHg। आल्ट्रियोवेनस में ऑक्सीजन डिफरेंस भी कम होता है, सिर्फ 10 से 12% होता है, ठीक है, और रीनल वेन ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है। मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है, रेगुलेट किया जाता है ब्लड फ्लो के द्वारा, मेनली सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। क्लियरेंस के बारे में बात करें तो ये एक हाइपोथेटिकल बात होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को आप देखते हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, मतलब कि क्या, जैसे कि ये क्या है अफरेंट आल्ट्रियोल आ रहा है, ये कैपिलरीज बढ़ रही है, ये इफरेंट आल्ट्रियोल जा रहा है। अब ये जो
ब्लड से फिल्टर करके जो आता है ग्लोमलर्स में, और वो फिर PCT से चला जाता है, वो कैसे क्या पे डिपेंड करता है ये देखते हैं। तो जो ग्लोमलर फिल्ट्रेशन रेट है ये डिपेंड करेगा, एक तो ब्लड प्रेशर पे फ्लो कितना हो रहा है ब्लड का, ठीक है। उसके बाद ये तीन फैक्टर इस पे मेनली होते हैं, एक तो ग्लोमुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कितना प्रेशर लगाया जा रहा है ग्लोमुलर के कैपिलरी में, जो मेनली 60 mmHg होता है, और यही फेवर करता है फिल्ट्रेशन को। अब दो चीज़ क्या करता है, अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, जैसे कि जो ये प्लाज्मा प्रोटीन, मेनली प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होते हैं, तो उनका जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो इसको अपोज करता है, तो वो कितना होता है 32 mmHg। वुमेंस कैप्सूल में भी कुछ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, वो भी अपोज करेगा। तो अगर नेट फिल्ट्रेशन रेट पूछे तो कितना हो जाएगा, तो ग्लोमुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो 60 mmHg था, उसमें जो प्लाज्मा कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर और जो वुमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, उन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 10 mmHg बचेगा, ठीक है। अब अगर पूछे कोई कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशियंट कितना होता है, 12.5 ml/min/mmHg, ठीक है। तो टोटल GFR कितना हो गया, तो 125 ml/min और 180 L/day, मतलब एक मिनट में 125 ml फिल्ट्रेशन होता है और एक दिन में 180 L फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन करेंगे तो 20% हो जाएगा कार्डिक आउटपुट का, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होगा, 20% होगा। तो ये निकाला कैसे जाता है, तो GFR डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा, प्लाज्मा फ्लो। तो ये रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, तो 625 से 650 ml/min होता है, तो अप्रॉक्स 20%, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये क्या है हमारा अफरेंट है, ये कैपिलरी बना, ये अफरेंट निकला, ठीक है। ये थोड़ा पतला होता है, ठीक है, क्या कह रहे हैं ना, सॉरी अफरेंट, ये कैपिलरी और ये इफरेंट, ठीक है। तो ये जो मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन होगा इफरेंट का, ये अफरेंट है और ये इफरेंट का, इसका अगर मॉडरेट कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, GFR बढ़ जाएगा, ये रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कैसे, देखिए इधर से ब्लड आ रहा है, ठीक है, इधर से ब्लड जा रहा है, तो अगर ब्लड ये वाला कंस्ट्रिक्ट हो गया तो ब्लड कम जाएगा तो GFR बढ़ जाएगा, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये मेनली कब किया जाता है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। सीवियर या सस्टेंड कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ये इफरेंट आर्टेरियोल में, तब GFR भी घट जाएगा, और उसके बाद ये रीनल प्लाज्मा फ्लो भी घट जाएगा, और ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। एक टर्म है नेफ्रोलिथियासिस, जिसको गॉल स्टोन कहते हैं, उसमें क्या होता है, GFR घट जाता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम जाता है, लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो में कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक है। तो हम GFR को मेजर कैसे करेंगे, तो बेस्ट सब्सटेंस जो मेजर किया जाता है वो होता है इनुलिन, क्या इनुलिन, ये इंजेक्शन से दिया जाता है, और अगर मोस्ट कॉमन सब्सटेंस का है तो क्रिएटिन है, ठीक है, इसको इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्सटेंस यूज किया क्या में होता है, कौन सा क्राइटेरिया, तो ये फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं, ये नहीं ऑब्जर्व होते हैं, नहीं स्क्रीट होते हैं, मतलब जैसे हम दिए हैं वैसे ही ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यही बेस्ट मेथड होता है GFR को ये मेजरमेंट करने का। क्रिएटिन क्लियरेंस क्या पे डिपेंड करता है, तो ये मेनली
5 से 10% ओवर एस्टिमेट करता है GFR को, ठीक है। प्लाज्मा क्रिएटिन, ये फॉल्स ओवर टाइम होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू जेफी रिफ्रैक्शन। किसके कारण? जेफी रिफ्लेक्शन के कारण। अभी जेफी रिएक्शन क्या होता है? तो ये क्लोरोमेट्रिक मेथड मेजरमेंट है, जिसमें नॉन स्पेसिफिक क्रोमोजेन जो होते हैं प्लाज्मा में वो ऐड किए जाते हैं। तो इतना डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जान लीजिए कि क्रिएटिन में फोर्स किसके कारण होता है, तो जेफी रिएक्शन के कारण। जेफी रिएक्शन इसमें कौन सा फार्मूला होता है? तो कॉकरोफ एंड गोल्ट फार्मूला लिख देती हूँ, कॉकरोफ एंड गोल्ट फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं कि रेनल ब्लड फ्लो का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट फीक मेथड से, कैसे? डायरेक्ट फीक मेथड से, ठीक है। और उसके बाद अब कंपैरिजन करेंगे रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो का। तो उसमें कौन सा फार्मूला चलेगा? तो उसमें जो फार्मूला चलता है वो होता है RBF इक्वल टू RPF इंटू 1/1 माइनस हेमोक्रेट, ठीक। यूरिन फॉर्मेशन का इवेंट कैसे चलता है? तो यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसका ग्रोमलर फिल्ट्रेशन होता है, और उसमें हम माइनस कर देते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रिएशन का, ठीक है। अब देखते हैं ये जो ट्यूबुलर फंक्शन है ये क्या पे डिपेंड करता है, यही अब मैकेनिज्म में आ जाते हैं। पहले सॉट वाला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्लोमुलर्स में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और ये आइसोटेनिक होता है। PCT में 100% ग्लूकोज और अमोनिया रीअब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम 67%, वाटर 67%, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन 90% होता है, 70-75% पोटेशियम कैल्शियम और क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है, और ये आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक क्यों होता है? जितना सॉल्यूट निकलता है उतना ही सॉल्वेंट निकलते हैं, ठीक है। अब H2O का रीऑब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? तो PCT में 67% होता है, ये लूप ऑफ हेनली, और DCT में 10-15% होता है। कलेक्टिंग डक्ट में मेनली जब ADH वर्क करेगा तब 10-12% होता है। ये जो PCT में है ये ऑब्लिगेटरी H2O का रीऑब्जॉर्प्शन होता है, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में फैकल्टेटिव रीऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फैकल्टेटिव रीऑब्जॉर्प्शन कहने का क्या मतलब है? ये ऑस्मोलरिटी को इन्फ्लुएंस करके मेनली रीऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब जो ADH का इन्फ्लुएंस होता है उससे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ H2O जो रीऑब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से होता है? PCT से होता है, कलेक्टिंग डक्ट से नहीं होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ADH 88% वाटर रीऑब्जॉर्ब होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ ADH 99% वाटर रीऑब्जॉर्ब होते हैं। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिंब होता है वो परमिएबल टू वाटर होता है और इम्परमिएबल टू आयंस होता है, और जो असेंडिंग लिंब होता है वो परमिएबल टू आयंस होता है और इम्परमिएबल टू वाटर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं DCT। DCT में मेनली NCC ट्रांसपोर्टर रहते हैं, ठीक है, जो मेनली थियाजिड इसमें एक्ट करता है और रिमूव करता है सम वाटर को, मतलब कि रीऑब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट में मेनली रीऑब्जॉर्प्शन 10-12% ऑफ H2 होगा, लेकिन अंदर ADH। इसमें प्रिंसिपल सेल होते हैं जो सोडियम को रीऑब्जॉर्ब करते हैं और ये पोटेशियम को सेक्रिएट करते हैं। जो आई सेल होता है वो क्या करेगा? तो रीऑब्जॉर्ब करेगा पोटेशियम को और सेक्रिएट करेगा बाइकार्बोनेट को। तो मेनली जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें दो तरह का सेल होता है, पी सेल और आई सेल। इसको हम कंसेंट्रेटिंग सेगमेंट भी कहते हैं, और असेंडिंग ठीक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को डाइल्यूटिंग सेगमेंट कहते हैं। तो सी से सी याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद इसमें दो सेल होते हैं, पी सेल और आई सेल। पी सेल सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और आई सेल पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब देखते हैं।